अस्सलाम वालेकुम जी। ये अगले दिन का व्लॉग है। कल मैं कपड़े लाई थी और आपको दिखाए थे, और आज मैं इनकी कटिंग वटिंग करने लगी हूँ। तो कल मैंने आपको दिखा दिया सारी मैचिंग किस तरह से है। तो उसकी मैंने जो है, अब मैं आज उसकी ट्राउज़र या सिंपल शलवार की कटिंग में आपको बताने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कपड़ा, आपके पास ये 2.5 मीटर कपड़ा होता है, ये आपको मैं नाप के भी दिखा देती हूँ। आपने ये लिया और ये 40 इंच का, ये इंचीज होते हैं इस तरफ बड़े वाले, और इस तरफ ये सेंटीमीटर होते हैं। कोई लोग सेंटीमीटर्स में नापते हैं, कोई लोग इंचीज में नापते हैं। इंचीज में नापना ज़्यादा आसान है। तो 40 इंच का 1 मीटर बनता है। तो आपकी शलवार होती है तकरीबन 2 मीटर। तो कपड़ा होता है आपको मीशो मिलता है 2.5 मीटर। तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं, ये कितना है। चालीस का नाप के ये देखिए, 40 पे अपने कपड़े को पकड़ लिया और इसका अपने मोड़ लेना है। कैसे 2.5 मीटर है और देते हैं देखे क्या है। ये बचना है बाकी। नहीं, ये बचेगा इतना पट्टी, लेकिन आपको ये चाहिए भी नहीं। जितनी आपको जरूरत हो आपको उतनी चाहिए। तो जितनी आपकी लेंथ है आपने उसके हिसाब से ले लेनी है। जो नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ कि एक नॉर्मल लड़की, एक नॉर्मल औरत की जो लेंथ है शलवार की, वो 38, 37, 36 की होती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से नाप के आपने पहले आप ये देख लें कपड़ा यहाँ से सीधा है, या उधर से देख लें, उधर से देख लें, जिधर से आपको कपड़ा सीधा लगे आप उधर से कपड़े को ले लें। सीधे से क्या मुराद है? बिल्कुल यहाँ से, यहाँ से सीधा हो। कोना इसका। हाँ, कोने से कोना मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने अपने इसका नाप लेना है। जो मैं अपनी शलवार की वो बनाती हूँ लंबाई, वो मैं 39 बनाती हूँ, 40 नहीं बनाती, 39। एक एक इंच से बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये मैंने इसकी लंबाई नाप ली यहाँ पर 39। इसको मैंने अब दोहरा कर लेना है इस तरीके से। ये कपड़ा देखिए, अब ये ना, ये खुला कपड़ा ऐसे है पूरे अर्थ का, इसको मैंने डबल किया हुआ है, और उसके बाद आपने इसको नापना है। ये हमारे पास हमारी लेंथ आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करना है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मिलेगा वो मैंने निकाल देना। क्या लगा लिया आप? अच्छा, फिर रिपीट कर दो कि डबल करके जो बचेगा कपड़ा ये कपड़ा लेंथ के डबल था ये मुताबिक। वाला, इसको लंबाई के रुख आपने तय किया, उसके बाद जितनी आपकी लेंथ थी शलवार की या ट्राउजर की वो आपने फोल्ड कर ली। उसके बाद यहाँ से आपने निशान लगा के ये थोड़ा निकाल देना है। ये मैं आपको बता रही हूँ इसको, ये आपने निकाल दिया। अभी आपके पास लेंथ आ गई। मेक श्योर कर लें कि जो है खुली हुई साइड, यानी कि वाले खुले हैं पल्ले, ये आपकी अपनी तरफ हो, क्योंकि तो आपने कटिंग ऐसे करनी है। ये आपके पल्ले अगर उस तरफ आ गए तो फिर आपकी शलवार नायाब हो सकती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपको आसान कटिंग बता रही हूँ, बिल्कुल आसान कटिंग। फिर सबसे पहले आपने पांचे का निशान लगा देना है, कितना आपने पांचा खुला रखना है। मैं अपना पांचा 8 या 9 इंच का बनाती हूँ, ये निशान लगा दिया। और यहाँ से आपने नेफे का, बस बस वही करोगे सही है, 2 इंच का आपने नेफे का निशान लगा देना है। नेफे का नेफा, निशान नेफा क्या मतलब होता है? ये कई ऐसे लोगों को नहीं पता है नेफा क्या होता है, ऐसे मुड़ेगा, ये जिसके जिसके अंदर अंदर लास्टिक इलास्टिक या डाल, लार होनेगा। हाँ, जिसके अंदर इलास्टिक डालते हैं, ठीक है। ये इसका निशान है, इसको आपने काटना कुटना कुछ नहीं है। उसके बाद आपने म्यानी का नाप लेना है।
15 या 16 इस तरह अपने हिसाब से। तो मुझे मैं आपको अपनी कटिंग बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बता दूँ जो आसान कटिंग है 15-16 करेंगे तो उसका यहाँ निशान। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये पांचे की कटिंग और इस निशान तक कटिंग आपने मिलानी है। कैसे मिलानी है, ऐसे मिलेगा ये इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जब ऐसे निशान लगाएंगे निशान आपको मतलब नजर आ रहे होंगे, है ना। ये मैं आपको वो कटिंग दिखा रही हूँ जो आपने एक सिंपल लड़की की कटिंग है जो शुरुआत की, ये आपने जब काटेंगे ना तो ये ऐसी हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, शुरुआत लग रही है, कुछ कुछ नहीं लग रही, शुरुआत ही लग रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इन दो सिलाइयों को मिला के सी लेना है। ये आपने यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। पूरी चारों की चारों तय हैं, ये दो पल्ले अलग अलग हो जाएंगे, ये दो पल्ले आपके अलग हो गए और ये दो पल्ले अलग हो गए। अब आपने इसको दो पल्ले को लेके यहाँ पर सिलाई मार लेनी है, यहाँ मारेंगे इसको हम मारेंगे आपस में, फिर उसके बाद आपकी शुरुआत ये खड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो मैं आपको कटिंग ही सिखा रही हूँ, तो ये आपकी सिंपल शुरुआत की कटिंग होगी। फिर आपने नेफा मोड़ लेना है जैसे इतना, और अपने पांचों के नीचे अगर आपकी लंबाई इतनी है, अगर आपकी अपनी लंबाई आपकी ज़्यादा है, लड़कियाँ कोई लंबी होती हैं तो देख लें अपने हिसाब से वो नीचे कपड़ा लगाएंगी, और अगर जो छोटे कद की हैं फिर वो इसी को मोड़ के पांचा बना लेंगी। तो आपकी शलवार एक बिल्कुल सिंपल आपका जो है कटिंग शलवार की या ट्राउज़र की वो हो जाएगी। और अगर आपने ट्राउज़र काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ट्राउज की कटिंग हमेशा ऐसी होती है ऐसे, ये आपने यहाँ से एंगल में गोलाई में ऐसे जितना भी आपने पांचा रखना हो उस हिसाब से आपने ये जो है ना यहाँ से ऐसे गोलाई में करते ले आनी है ऐसे, क्योंकि लड़कियों को होती है इतनी घेर की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो औरतों का होता है घेर वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो इसका घेर अभी है 15-16 इंच। तो मैं क्या करूँगी अपने हिसाब से, जो मैं काटूँगी तो यहाँ से कपड़ा निकाल के मैं यहाँ पर लगाऊँगी। तो मैं कैसे लगाऊँगी, मैं इसकी लेंथ लूँगी 20, और यहाँ तक लेंथ जो मेरी है पंचे की और लंबाई वो मेरी उतनी ही है जितनी के मैंने रखी हुई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं आपको काट के दिखा दूँगी, कि मैं इसको किस तरीके से काट पाऊँ। जहाँ से आपने पकड़ा आपने काट लिया, अभी आपको शुरुआत लग रही होगी। अब आपने ये जो कपड़ा यहाँ से बचा है ये आपने यहाँ पे लगा देना है इसको, ये नोके ऊपर और ये पल्ला नीचे होगा। तो यहाँ से जब आप यहाँ से लगाएंगे ये फिर आप दोबारा से नापें तो फिर आपको आपका जो घेर चाहिए होगा डिजायर घेर वो मिल जाएगा। मुझे 20 तक चाहिए होता है, सिलाई में आ जाएगा बाकी सिलाई में आ जाएगा, चाहे ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। सही। और यहाँ से मुझे जो बयानी है फिर वो कितनी बनेगी, 17-18 तक है ये। तो इसको फिर हम बाद में ऐसे निशान लगा के ऐसे कर लेंगे। सही। तो ये हमें अपनी डिज़ायर बयानी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बस ये थी शलवार की कटिंग। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ये बहुत सिंपल वे है शलवार के काटने का या ट्राउज़र के काटने का। तो
तो इस तरीके से जो नई सीखने वाली लड़कियां हैं वो काटेंगी तो उनको उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो जॉब में करना करें, लाइक ना करें। अच्छी लगे तो लाइक ना करें, जॉब ना करना और शेयर भी ना करें, इससे कोई शेयर नहीं करता। लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। चलो जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।